Let me introduce myself. I am Anjisha Ranjan, Marketing Manager of Asset Compounders Academy Private Limited, जो कि हमारी academy है. And first of all, a very special thanks to GAB Public School जिन्होंने हमें ये platform दिया है ताकि हम आप तक stock market के बारे में बता सकें. And a very special thanks to Komal ma'am जो कि I think यहाँ पर है नहीं अभी. So still, thank you so much Komal ma'am. तो सबसे पहले तो एक छोटा सा सवाल है. 12th के बाद करियर ऑप्शन क्या है? करियर ऑप्शन कॉलेज. करियर ऑप्शन क्या है? कॉलेज में क्या है? कॉलेज तो सबको जाना है. बीकॉम के बाद क्या करना है? आप हाँ करियर में क्या बनना है? एनी आइडिया? कुछ सोचे? कुछ नहीं? अरे कुछ तो होगा भाई. किसी ने तो सोचा होगा. Anyone wants to answer? Yes, ma'am. What do you want to become? I'm India's leading game player. Okay. Very good. Anyone else? Sit up, sit up, sit up. Anyone else? CA. Okay. Anyone else? LLB. LLB. Anyone else? क्या boys खाना वाना खाकर नहीं आए? बोलने का मन नहीं है क्या है? Boys answer दिए जा रहे हैं. Come on. Buckle up, guys. कौन बोलेगा? क्यों? से? अरे बाबा क्वेश्चन आंसर थोड़ी पूछ रही हूँ. पेपर थोड़ी है. बिजनेसमैन. क्यों? What do you want to become? बिजनेसमैन. सबसे आसान है ना बिजनेसमैन. पैसे लगाओ इनकम आएगी. एक बात मुझे बताओ. स्टॉक मार्केट के बारे में पूछा तो सबने बोला हाँ सुना है. तो स्टॉक मार्केट में करियर के बारे में क्यों नहीं सोचते हो? कभी सोचा है? क्या सोचा है? बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और कुछ. अभी मैम इंट्राडे ट्रेडिंग का. हाँ ट्रेडिंग. तो आप कर रहे हैं? यस मैम. वेरी गुड, वेरी गुड. एनीवन एल्स हू नोज अबाउट स्टॉक मार्केट और वांट टू लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट? एनीवन? से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. पीछे से किसने हाथ उठाया था? हाँ बोलिए. सुजन. You want to learn about stock market? Okay. Anyone else from girls side? Anyone who wants to learn stock market? Who? Or anyone who knows what stock market is? No one. Nobody. Anyone else who wants to answer about stock market? Okay. No problem. हमारी जो कंपनी है 2019 में स्टार्ट हुई एंड गेस करिए कितने एम्प्लॉइज थे और कितने क्लाइंट्स मिले थे? एनी गेसेस? 30 एम्प्लॉइज. 30 एम्प्लॉइज एंड क्लाइंट्स 4 or 5. For the matter of fact, we had one employee and one client. We started with one employee. He'll be here very soon. अच्छा, he's here only. I'm so sorry, I didn't see you, sir. This is Vikas sir. He is the one who started this company. Basically, एक इंसान था, काम कर रहा था, क्लाइंट ढूंढ रहा था, ऑफिस चला रहा था, पेपर वर्क कर रहा था, सब कुछ कर रहा था. एक एम्प्लॉय. Today we are company of 30+ employees and 60+ clients. कोई सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट नहीं. कोई कहीं पे जा करके किसी को बोलना नहीं कि भाई हमारी कंपनी में ज्वाइन करो, कुछ करो. नथिंग. दिस इज आवर हार्ड वर्क. दिस इज आवर अचीवमेंट टुडे. तो उनमें से कुछ क्लाइंट्स ऐसे थे जो हमारे पास आए जस्ट लाइक यू गाइस, यंग बट वांट टू लर्न. बहुत सारे लोगों में चाह होती है सीखने की. सो बेसिकली दे जस्ट केम एंड सेड कि सर आप हमें सिखाते क्यों नहीं, आप हमें ट्रेनिंग दीजिए, आप हमें कोर्सेज प्रोवाइड करिए. एंड दैट वाज द टाइम जब हमने डिसाइड किया कि एक्चुअली पीपल आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट. तो हमें हमारी एकेडमी स्टार्ट करनी चाहिए. 7/21 अभी इसी साल हमारा एकेडमी रजिस्टर हो चुका है. तो बेसिकली अब हमारा जो एकेडमी है उसका मेन पर्पस क्या है? व्हाट इज आवर विजन? स्टॉक मार्केट के बारे में जानते बहुत सारे लोग हैं. लाइक ऑल ऑफ यू सेड यू गाइस नो अबाउट स्टॉक मार्केट, राइट? नाम सबने सुना है, जानता सब कोई है. बट हार्डली पीपल आर ट्राइंग टू know more about it or to invest in it, है ना? उसके बारे में knowledge नहीं है, career opportunities के बारे में किसी को पता नहीं है. So that is the reason we are here today to tell you guys कि stock market सिर्फ long term investment नहीं है, सिर्फ चंद पैसे कमाने की चीज नहीं है. इसमें आपका बहुत ही bright career हो सकता है. मोस्टली आंसर्स मुझे यहाँ पर आए बिजनेसमैन, बट स्टॉक मार्केट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम स्टॉक मार्केट करेगा भैया लॉस में जाएगा, है ना? क्योंकि फुल फोकस चाहिए इस पे, है कि नहीं? अरे आवाज नहीं आ रही है मुझे, थोड़ा सा एनर्जी दिखाओ. जितना एनर्जी मुझे सुनने में आया उतना दिख ही नहीं रहा है. तो ये था हमारा एक विजन था जो हमारा टैगलाइन है. We are here to make India a bit more active on stock market and make India financially independent. I cannot disclose the name of our client because that's our private name. But there is one girl with us जो कि college में पढ़ रही है and she is paying her own fees. She doesn't take money from her parents for her studies. She came to us, she learned, and she is doing her best. भाई थोड़ा सा शांति नहीं दिखाओ यार. क्या हो रहा है इसे? दर्द अच्छा नहीं लग रहा है मुझे. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है? जब भी आप कोई टाइटल खोल रहे हो, जब भी आपका कोई इंस्टीट्यूट खोल रहा है, कोई कंपनी, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है? Anyone who would like to answer? कोई भी अकेडमी, कोई भी कंपनी, कुछ भी, स्कूल ही सही, व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग? कैपिटल. राइट. वर्कर, टीम, द वन हु वर्क्स विद अस, है ना? सो हमारे जो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी 30% एम्प्लॉइज, उनमें से कुछ बहुत ही अच्छे टीम को हमने सेलेक्ट किया, है ना? और हमारी एक छोटी सी टीम बनी है जो कि हमारे अकेडमी के लिए है. मैं इस अकेडमी की मार्केटिंग मैनेजर हूँ. वी हैव विथ अस आवर फाउंडर मिस्टर विकास कुमार पांडे, आवर को फाउंडर मिस्टर अमित कुमार, आवर HR मिस गुंजन एंड आवर डिजिटल एक्सपर्ट मुकेश सर. ओके, सो ये हमारा छोटा सा टीम है. देयर आर अदर मेंबर्स ऑल्सो बट दे कुडंट कम विथ अस टुडे. अभी हमारा जो विजन था टू मेक इंडिया बिट मोर एक्टिव, यू वोंट बिलीव कि इतना काम कर रहा है और इतने हद तक हम लोग आगे बढ़ चुके हैं कि हमारा नेक्स्ट सेमिनार IIT खड़गपुर में होने वाला है. सुना है ना सबने? यस मैम. सुना है ना सबने? यस मैम. उसके जो वीडियोस है, इफ यू गाइस वांट इट, it will be uploaded on our YouTube channel. जो पैम्पलेट्स आपको डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं उसमें हमारा सारा डिटेल्स है. आवर YouTube चैनल, आवर Twitter हैंडल, आवर Facebook हैंडल, आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आवर मेल आईडीज, एनी क्वेरीज, एनीथिंग यू वांट आस्क रिलेटेड स्टॉक मार्केट, वी आर देयर टू हेल्प. ओके. अच्छा, कभी किसी ने सुना है किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जॉब छोड़ते हुए? गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हां? नहीं, किसी ने नहीं. हां, आपको पता है हमारे बीच में एक इंसान है जिसने गवर्नमेंट जॉब छोड़ा है. और किस लिए छोड़ा है पता है? स्टॉक मार्केट. जान रहे हो वो कौन है? वो है हमारे को फाउंडर मिस्टर अमित कुमार पाठक. ही इज हैविंग 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंस. इन्होंने बैंकिंग के साथ साथ स्टॉक मार्केट करने की कोशिश की, बट ही न्यू की उनकी गोल्स क्या है. इनके गोल्स और विजन के बारे में मैं तो ज्यादा बता नहीं सकती हूँ, तो इनसे ही सुनते हैं हम लोग, है ना? यस मैम. सो पोडियम इज ऑल योर्स. थैंक यू. थैंक यू सो मच. यहाँ पे मैं आया हूँ और सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया वो दिया कि मैं गवर्नमेंट जॉब में था, बैंक एम्प्लॉय था और मैंने छोड़ दिया जॉब. तो क्यों छोड़ा जॉब? सबसे पहली बात, आप सबको, आप लोग कॉमर्स फील्ड से हो, तो आप सबको भी पहला जो एम होगा वो होगा, बहुत सारे लोग कि बैंक में जाना है, ठीक है? एग्जाम्स देते होंगे कि बैंक में जाना है, गवर्नमेंट जॉब है. दिल्ली का तो मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी बहुत सारे स्टेट हैं, यूपी है, बिहार है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ गवर्नमेंट जॉब का बहुत ज्यादा वैल्यू होता है. बट उस वैल्यू का क्या करना है जो हमारे लिए काम का नहीं है? ठीक है, आज मैं गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, अपना सारा खर्च निकल रहा है, अपना जिंदगी चल रहा है, बट जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, जिस स्पीड से महंगाई बढ़ रही है, सबको पता है, आने वाले समय में बच्चों को पढ़ाना इतना मुश्किल हो जाएगा। यदि आप एक नॉर्मल कोई जॉब कर रहे हो तो बच्चों को पढ़ाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे पता है आप लोगों का टाइम हो रहा है, शायद 2 बजे का बस है आप लोगों का, तो डल नहीं होना है, जाते जाते कुछ अच्छा न्यूज लेके जाइए, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके जाइए, कुछ सीख के जाइए, ठीक है। तो जोश नहीं कम होना चाहिए, ठीक है। अनमिशा मैम को आप सुन रहे थे, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप जॉब मत करो और छोड़ छाड़ के साथ स्टॉक मार्केट में घुस जाओ, बट मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी बताना चाहूंगा जो आपको बिल्कुल इंस्पायर करेगा। अभी अनिशा मैम ने आप लोगों से पूछा कि करियर आप किस में बनाना चाहते हैं, तो आपने से किसने बोला था, और सुने देवांश, तो देवांश ने कहा कि वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और ट्रेडिंग भी करता है, बहुत अच्छी बात है, बट यदि आपसे कोई भी पूछा कि आप, तो बहुत डाउटफुल है कि शायद वो बनाएगा। देवांश, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? सर मैं श्योरली करूंगा, चूज ये करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, क्लैप होनी चाहिए भैया इसके लिए, ठीक है। बहुत कम 100 में से मैं कहता हूँ 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जो करियर बनाना चाहेंगे स्टॉक मार्केट को, बट क्यों, ऐसा क्यों, स्टॉक मार्केट में कुछ बुरा है? नहीं, लेकिन क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? क्योंकि यदि देवांश को छोड़ो और आपका नाम क्या है सर, आप बताओ ना, आशीष, आशीष यदि अपने घर पे अपने पेरेंट्स को या अपने दोस्तों को बोलेगा कि मैं स्टॉक मार्केट के अंदर अपना प्रोफेशन बनाना चाहूंगा, तो कॉमनली जो आंसर आएगा पता है वो क्या है, कि एक जुआ है, जुआ है, स्टॉक मार्केट से दूर रहो, वरना जो है तुम्हारे पास वो भी गवा बैठोगे। अभी आप लोग स्टूडेंट हो, कल को आप किसी प्रोफेशन में जाओगे, कुछ कमाओगे। मैं आपको बताऊं, जितने लोग यहाँ पे सैलरीड पर्सन है आज के टाइम पे, दिल्ली में, मुंबई में, कहीं पे भी, उसमें से 90%, मैं कह रहा हूँ 90% स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, बट आफ्टर ऑल उनको लॉस होता है। रीजन क्या है उसका? और यही रीजन है कि आपको पेरेंट्स बोलते हैं कि एक जुआ है, बट रीजन क्या है इसका? सर उन्हें पूरी नॉलेज नहीं होती, पूरी नॉलेज नहीं होती। बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि पूरी नॉलेज नहीं होती है। हम स्विमिंग पूल में कूद जाए, हमें तैरना नहीं आता, डूबेंगे, नदी में, समुद्र में कूद जाएंगे, डूब जाएंगे भाई। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, सीखना है। कोई भी चीज यदि हम करने जा रहे हैं तो पहले उसके अंदर इंटरेस्ट है नहीं, वो बात है। अब इंटरेस्ट कैसे आएगा? जहाँ पैसा होता है वहां सबका इंटरेस्ट होता है। आप मानो या ना मानो, कोई बोले कि नहीं मुझे पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, बट कल को जब आपका एक फैमिली होगा, आप कुछ करना चाहोगे, तो हर जगह पे, हर कदम पे आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। आपको एक वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वो जो अभी सबसे अच्छा ऑप्शन है, जो आपको सबसे अच्छे से बना के दे सकता है, विथ योर फैमिली टाइम। आप यदि कोई भी, तो खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं, खुद के लिए यदि इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको पूरा समय मिलता है। आप घर पे रहकर भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, आपको नॉलेज होनी चाहिए। ये ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों करते हैं। यदि आपको ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा सा ज्यादा समय देना पड़ेगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, बट यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप रिलैक्स होकर कर सकते हो काम। और ऐसा नहीं है कि आपको लाखों रुपए चाहिए स्टार्ट करने के लिए, आपको एक छोटे अमाउंट से 10 रुपए से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो स्टार्टिंग पॉइंट बहुत मैटर करता है। अभी बैठ जाओ आशीष, आपको बोला नहीं, सॉरी। आपका नाम क्या है? आरुषि। आरुषि, एज क्या है आपकी? 17 इयर्स, ठीक है। आपकी एज क्या है? 17 इयर्स, ठीक है। बैठ जाओ, दोनों बैठ जाओ। मैं अभी आप लोगों के साथ क्यों आया हूं, जैसे अन्विशा मैम ने अभी बताया कि हम लोग आईआईटी खड़गपुर में जा रहे हैं। आईआईटी के बारे में आपने सुना होगा, इंजीनियरिंग का जो टॉप मोस्ट कह सकते हैं हम लोग इंस्टीट्यूट है, वो आईआईटी है। तो वो लोग क्या है, एक उनका फ्यूचर है, उनको अब कमाना, मतलब सैलरी हो जाएंगे वो कुछ दिनों में। बट इसका ये है कि जो उम्र है ना आपकी, वो बहुत कीमती है। ये जो समय है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और यदि आप यहाँ से स्टार्ट करते हो ना तो बहुत आगे तक जाओगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। 3 भाई मान के चलते हैं, A, B एंड C। तीनों की एज मैं 17, 18 छोड़ दो, मैं 20 मानता हूँ, ठीक है। 20 साल में तीनों ने इन्वेस्टमेंट शुरू करी। जो ए था, जो ए बंदा है, उसने क्या किया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया, खर्च कर रहा है पूरे लाइफ टाइम। मान के चलते हैं 65 इयर्स उसकी जीने की उम्र होगी, जो कि अब घट गई है, दिल्ली में तो 60 इयर्स बहुत है, ठीक है। बोर हो रहे हो क्या? नो सर। तो मान के चलते हैं ए ने क्या किया, अभी वो 20 साल का है, 65 साल की उसकी उम्र है, और उसने 10 साल इन्वेस्टमेंट किया और बाकी सारा टाइम उसने नहीं किया। वो जो भी था सेविंग उसी से एंजॉय कर रहा है, स्पेंड कर रहा है, ठीक है। जो बी भाई है वो क्या कर रहा है, शुरू का जो 10 साल है उसने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, उसने खर्च किया। अगला जो 10 साल है उसने इन्वेस्टमेंट किया और जो रेस्ट ऑफ द टाइम था उसकी लाइफ का उसने क्या किया, उसको स्पेंड किया। ठीक है, सिचुएशन को याद रखना क्योंकि आपका प्रोजेक्टर थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था तो हम लोग कनेक्ट नहीं कर पाए, वरना प्रोजेक्टर का था थोड़ा सा प्लान हमारा, बट प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया, सॉरी फॉर दैट। तो ए ने क्या किया, 10 साल इन्वेस्ट किया, उसके बाद पूरा खर्च किया। बी ने क्या किया, 10 साल इन्वेस्ट किया, 10 साल स्पेंड किया, फिर उसके बाद 10 साल इन्वेस्ट किया और उसके बाद फिर खर्च कर रहा है। जो सी था उसने क्या किया कि शुरू का 10 साल उसने खर्च किया, अगले 10 साल खर्च किया और बाकी का लाइफ टाइम उसने क्या किया, इन्वेस्ट किया। ठीक है सिचुएशन, तो इनमें से जो तीनों के पास वेल्थ होगा वो सबसे ज्यादा किसके पास होगा, सी के पास। किसके पास होगा, सी के पास। आप बताओ, सी सबसे ज्यादा वेल्थ होगा ए के पास, क्योंकि उसने आपको कैलकुलेशन समझ में आएगा, बट हमारे पास थोड़ा सा टाइम लिमिटेशन है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा उस प्रोसीजर को। बट इसने सही बोला कि सबसे ज्यादा जो वेल्थ होगा वो ए के पास होगा क्योंकि उसने 20 साल में स्टार्ट किया है। जो सेकेंड नंबर पे होगा वो कौन होगा, बी होगा, और थर्ड जो होगा वो लास्ट सी होगा, जबकि सबसे ज्यादा पैसा उसने खर्च किया इन्वेस्टमेंट पे, बट जो रिटर्न है वो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है, ए को। तो एज बहुत ज्यादा मैटर करता है, हम लोग इन्वेस्टमेंट किस एज में शुरू कर रहे हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आप एनालाइज करना, आप जाके गूगल पे सर्च करना पावर ऑफ कंपाउंडिंग, आपको बहुत सारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। जब आप उसको देखोगे, मैं हर दिन की बात कर रहा हूँ, 35 से 40 रुपए भी यदि आप हर रोज इन्वेस्टमेंट करने के प्लान से इकट्ठा करते हो, इन्वेस्ट करते हो उसको, तो आप 60 इयर्स तक करोड़पति होंगे। और 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं, आपके पास मोर देन 10 करोड़ होंगे कम से कम। जो आपको आज के टाइम पे एफडी या कोई भी रिटर्न जो आपके मम्मी पापा करते होंगे, इन्वेस्टमेंट्स करते होंगे, एफडी बनाते होंगे आपके नाम पे कि बच्चे का फ्यूचर थोड़ा सा सिक्योर हो, उस पे मैक्सिमम रिटर्न कितना मिलता है? कोविड के पहले उस पे 7% मिलता था, बट आज के टाइम पे वो 5% से ज्यादा कहीं नहीं मिलता है। ठीक है, तो यदि हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट के अंदर जो आपको एवरेज भी आप रिटर्न लेके चलोगे, मतलब खराब कंपनी को छोड़ दो, जो डूबने वाली कंपनी है उसका तो कोई बात नहीं कर सकते, बट एवरेज उसमें 12% रिटर्न मिलता है। आई थिंक आप लोग सब कॉमर्स से हो तो आप रिलेट कर पा रहे हो। ठीक है, तो 12% का रिटर्न मिलता है, और यदि आप उसको कंपाउंडिंग पावर से आप कंपाउंडिंग उसका देखोगे तो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं लालच दे रहा हूं आपको, बट ये रियलिटी है जिसको लोग नजरअंदाज कर देते हैं, इसको वैल्यू नहीं देते हैं। स्टॉक मार्केट की और मतलब 1% या 2% ऐसे लोग थे, कोविड के पहले की बात कर रहा हूं मैं, कि 1 से 1 to 2% ऐसे लोग थे जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड थे बहुत पैशनेटली, जैसे कि देवांश है। बट जब कोविड आया और सब लोग घर पे बैठ गए, सारी चीजें बंद हो गई, उस समय लोगों को रियलाइज हुआ कि कंपनी तो बंद हो गई, अब काम क्या करें। उस समय रियलाइज होता है इंटरनेट की पावर, स्टॉक मार्केट की पावर। वेल्थ क्रिएट तभी होता है जब आप दुनिया से कुछ अलग करते हो। और दूसरी चीज ये कि आप कभी जब इन्वेस्ट करते हो, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग किसने बोला था बिजनेस करना है, बिजनेस के लिए किसने बोला था, आपने बोला था ना, कपिल सैनी बिजनेस करना चाहते हैं, कपिल जी। ठीक है, तो कपिल जी बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे आप लोगों में से बिजनेस करना चाहते हैं, बट जब आप एक अपना कोर्स कंप्लीट करोगे, ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद आप नौकरी करोगे या सैलरीड, आपको स्टार्ट वहीं से करना पड़ेगा। यदि आपका पहले से होगा कोई बेस तब ठीक है, मोस्ट ऑफ द लोग जो होंगे वो क्या करेंगे, पहले कुछ जॉब करेंगे उसके बाद बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बट वो मौका नहीं मिल पाता है बहुत सारे लोगों को। वो सोचते रहते हैं कि कैपिटल मैं इकट्ठा करूंगा, कैपिटल इकट्ठा करूंगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इस एज से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि आपके पास इतना कैपिटल होगा कि आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, आप अपने पैरों पे खड़े होंगे इंडिपेंडेंटली। और आपके जो कलीग्स होंगे, आपके जो साथ के लोग होंगे, बैचमेट्स होंगे, वो आपका एक उदाहरण देंगे, कि एग्जाम्पल देंगे कि भैया ये देखो स्टूडेंट था, जस्ट इसने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और इसकी देखो क्या किस अच्छी स्थिति में है ये। तो दोस्तों सर्टिफिकेशंस होते हैं इसके अंदर, NISM का या बहुत सारे आप प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस लेके इसके अंदर एक बहुत अच्छा कैरियर अपॉर्चुनिटी है। आप सबको एक बार सोचना चाहिए क्योंकि आप सब कॉमर्स से रिलेटेड हो। नॉर्मल जॉब, बैंक का जॉब या ये सब सारी चीजें सबके लिए अवेलेबल है, बहुत ज्यादा भीड़ है इधर, बट आने वाले टाइम में स्टॉक मार्केट की इतनी डिमांड होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो एक बार इस बारे में जरूर सोचना, एटलीस्ट अभी नहीं, घर जाके सोचना, जब भी सोचना होगा, बट आप इस चीज को एनालाइज करना कि स्टॉक मार्केट के अंदर क्या कैरियर है, क्या अपॉर्चुनिटीज है, फिर आपको पता चलेगा स्टॉक मार्केट की पावर। आपकी एज 17 थी, आरुषि ने बताया उसकी एज 17 है। मैं आपको एक बच्चे का एग्जांपल देता हूं जिसकी एज सिर्फ 15 इयर्स है। 15 इयर्स है। 2016 में उसने स्टार्ट किया था स्टॉक मार्केट। और जैसा कि सब करते हैं जनरली, आप भी करोगे, मैं कितना भी आपको बोल लूं सीख लो तब करना, लोग घुस जाते हैं ऐसे और लॉस कर बैठते हैं। उसने भी क्या किया, गया स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट शुरू की, लॉस हुआ, सारे पैसे जितने थे उसके पास, एक स्टूडेंट के पास कितना पैसा होगा, 13-14 साल का लड़का था, उसके पास कितना पैसा होगा, 2 साल उसने जितना भी था सब गवा दिया। बट उसको समझ में आ गया कि कहाँ पे मैं लैग कर रहा हूँ, उसको सीखना था स्टॉक मार्केट। उसने सीखा, दोस्तों से कुछ कर्ज लिया। आज के टाइम पे दोस्तों के पास होता है तो दे देते हैं भैया कि चलो ठीक है आज देंगे तो कल हो सकता है रिटर्न मिल जाए कुछ मुझे भी, ठीक है। तो उसने क्या किया, इकट्ठा किया, दोस्तों से कुछ पैसे मांगे और उसने 22,500 रुपए इकट्ठा किए। 2016 की बात है, उसने 22,500 रुपए इकट्ठा किए और उसने इन्वेस्टमेंट शुरू किया अच्छे से सीखने के बाद। 2016 की बात है, 2017 में उसने उस 22,500 का कितना कर लिया पता है, 1.5 लाख, 1.5 लाख रुपया उसका हो गया एक साल के अंदर, क्योंकि वो सीख के ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कर रहा था, दोनों कर रहा था वो एक साथ। अगले साल 2017 के बाद 2018 में जो उसका कैपिटल था वो हो गया 1.5 लाख से कितना हो गया होगा, गेस करो कुछ, 10 लाख, ठीक है। 10 लाख हो गया, वो 1.5 लाख का अमाउंट कितना हो गया, 10 लाख। और 2021 में उसका कैपिटल पता है कितना है, 50 लाख। 3 साल का गैप है, ठीक है। 3 साल के गैप में उसने 10 का 50 बना लिया। और ये कोई आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, वैसे बहुत सारे लोग हैं जिसने ऐसा किया है। मैं आपको एक आप सोचते होंगे जो पढ़े लिखे लोग हैं या बहुत ज्यादा एजुकेटेड हैं उनके पास पैसे होते हैं बहुत ज्यादा। मैं आपको एक गांव के किसान की बात बताता हूं। महाराष्ट्र का एक गांव है, एक डिस्ट्रिक्ट है जलगांव, नाम सुना होगा शायद, महाराष्ट्र में एक गाँव डिस्ट्रिक्ट है जलगांव। वहां पे एक मोहम्मद अनवर नाम के इंसान थे, किसान थे वो, मतलब लिटरली किसान थे। उनके पास कुछ जमीनें थी, 4 भाई थे तो उनका जमीन बिका, तो जमीन बिका तो उनके हिस्से में जो जमीन आया किसी रीजन से उन्होंने उसको बेच दिया, कुछ मजबूरियां होंगी हो जाती है गांव में, तो उन्होंने अपना जमीन बेच दिया और 80,000 रुपए उन्हें मिले। 80,000 रुपए मिले, उसमें से 70,000 तो खर्च हो गए उनके, या कुछ उसने सेविंग के लिए रख लिया, 10,000 रुपए उसके बचे हुए थे। उसको भी नहीं पता था इन्वेस्टमेंट क्या होता है नहीं होता, गाँव के इंसान को क्या पता होगा। ये 1980s की बात है और कोई कहानी नहीं है, ये रियलिटी। आप सर्च कर लेना मोहम्मद अनवर, विप्रो करके सर्च करना तो आपको मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा। क्या हुआ कि विप्रो जो कंपनी है उसका शेयर उस समय मार्केट में था, उस शेयर का प्राइस जो था वो 100 रुपीज का प्राइस था। विप्रो का शेयर 100 रुपीज का था उस समय। विप्रो के जो मालिक थे अजीम जी प्रेम जी, उनको पता चला कि मतलब किसी रीजन से आईटी में जो बूम आ रहा है उसकी वजह से स्टॉक का जो प्राइस है, उनका जो शेयर प्राइस है विप्रो का शेयर प्राइस वो बढ़ने वाला है। तो उन्होंने अपने किसी ब्रोकर को कहा कि आप जितने भी हमारे स्टॉक लोगों के पास हैं आप उनको इकट्ठा करो, ठीक है, उनको इकट्ठा करो और हम उसको वापस लेंगे, क्योंकि कैपिटल अपना दूसरों को क्यों देना, यदि कंपनी ग्रो कर रही है तो क्यों ना हम फायदा उठाए। तो उन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की, तो जो जलगांव था उसमें बहुत सारे लोगों के पास स्टॉक थे विप्रो के, तो उन्होंने एक ब्रोकर को भेजा, ब्रोकर उनके पास गया। अब गाँव में वो एक एक घर घूम नहीं सकता था, तो उसने गाँव के एक आदमी को पकड़ा, वो आदमी था मोहम्मद अनवर, ठीक है। मोहम्मद अनवर को पकड़ा, उसने कहा कि आप एक काम करो, जिनके पास भी शेयर हैं आप उनसे खरीद लो और मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आपको 100 विप्रो के शेयर दूंगा, सिर्फ 100 शेयर, 100 शेयर। तो म्यूचुअल फंड का एम होता है निफ्टी 50 के रिटर्न को बीट करना। अगर निफ्टी 50 12% का रिटर्न दे रहा है तो किसी म्यूचुअल फंड ने 13% का रिटर्न दिया, यानी वो म्यूचुअल फंड अब सक्सेसफुल है, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में आए हैं, रिस्क लिया है पैसों का, तो 13% सफिशियंट नहीं है, ठीक है। अगर आपको इतना ही है तो आप एफडी करा लो, 7% का मिल जाएगा, आप कहीं लैंड ले लो, मकान बना लो, लोन लो करके रेंट आता रहेगा, ठीक है। जैसा मैंने बोला अभी आपका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है। आप सपोज करो बजाज फाइनेंस है एक कंपनी, अगर उसका शेयर 2009 में खरीदा होता, 10,000 रुपए लगाए होते, तो आपका अभी वो प्राइस लगभग 10 करोड़ के आसपास बना होता, ठीक है। अब अगर म्यूचुअल फंड में 10,000 लगाए होते तो अभी क्या होता है, आपका 13,000 रुपए बनते 12% के हिसाब से, और वही बजाज फाइनेंस में अगर 10,000 लगाए होते तो 10 करोड़ बनता। तो हमें वो म्यूचुअल फंड को फॉलो नहीं करना, हमें अगर कैरियर बनाना है, अगर हम इसको फुल डेडिकेशन के साथ इसको टाइम देंगे तो इससे प्रॉफिट लेना है और ऐसा प्रॉफिट कि हमारा वेल्थ क्रिएट करे, हमारे मम्मी पापा का नाम हो हर जगह, भाई देखो इतना कम उम्र है और इसमें इसने इतना बना लिया। ठीक है, अब शाहरुख खान का नाम सुना है, सलमान खान का नाम सुना है आप लोगों ने, ठीक है, मोदी जी का नाम सुना है, कितने राधाकृष्ण दमानी जी का नाम कितने सुना है? दो लोगों ने, डीमार्ट के फाउंडर और कैटरीना कैफ का, सबका ये अंतर है। सपोज करो कैटरीना कैफ के पास 500 करोड़ रुपए होंगे, दमानी जी के पास कितने रुपए हैं? 1.5 लाख करोड़ रुपए। शाहरुख खान का नाम सबने सुना है, 4000 करोड़ है। झुनझुनवाला जी के पास 44,000 करोड़ है। ठीक है, अब और थोड़ा आता है सलमान खान जी के पास 5000 करोड़। नितिन कामत जी जीरोधा के फाउंडर, एज 33 है उनका, उनके पास 30,000 करोड़। तो ये है स्टॉक मार्केट। बात समझ में आ रहा है? ये आपके लिए है बेसिकली। हम लोग स्कूल में और कॉलेज में जाने का मेन मोटिव ये है कि हमारा रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी ज्यादा है। अगर अभी हमने कोई चीज ठान लिया तो उसको कर सकते हैं, लेकिन अगर 40 साल बाद कोई ठाना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आदमी के ऊपर इतना आ जाता है कि वो आदमी कुछ चाह के भी नहीं कर पाता। या फिर आप शादी के बाद ही ले लो, शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है। अब जैसे कोई शादी के बाद कोई लेडी है, अब उनको जॉब ज्वाइन करना है, बहुत पढ़ी लिखी है, इन पे प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा घर का देखभाल कौन करेगा, अच्छा बच्चे का देखभाल है, कैपेसिटी लेकिन हो नहीं पाएगा। अभी आप फ्री हो, अभी आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। ये चीजें हमारे साथ। स्टॉक मार्केट के बेसिकली 3 टाइप होते हैं, फ्यूचर, ऑप्शन और कैश। मैंने बोला ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट में अंतर होता है। जो ट्रेडिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में होता है। कैश मार्केट में इन्वेस्टमेंट होता है। कैश मतलब पूरा पेमेंट किया मैंने तो कोई चीज खरीदा, मतलब कैश में लिया। ठीक है, डेरिवेटिव जो होता है उसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन पे ही काम होता है। डेरिवेटिव मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, और टाइम टू टाइम इसमें स्कैम होता ही रहता है। कभी छोटा मोटा, अभी जैसे पीसी ज्वेलर का स्कैम हमारे सामने आया था। ठीक है, छोटा मोटा स्कैम। अब क्या होता है कि जैसे माल्या जी हैं, उन्होंने एसबीआई का पैसा लेकर के भाग गया है। ठीक है, तो उसका मार्केट पे असर पड़ेगा। अब मोदी जी को अगर कोई गोली वोली लग गया तो उनका असर पड़ेगा। पाकिस्तान में बम गिर गया तो स्टॉक मार्केट पे असर पड़ेगा। तो स्टॉक मार्केट एक हाईली कॉम्प्लिकेटेड चीज है, तो बिना प्रोफेशन बनाए इसमें काम नहीं हो सकता। मैं आपको सजेस्ट करूंगा बंद कर दो। जब भी आप फुल डेडिकेशन के साथ आना तो इसमें आप लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, मेरी तरफ से इतना ही। अब आपका जो टेस्ट है वो शुरू होगा। गुंजन जी ऑर्गेनाइज करेंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम। सो आर यू ऑल रेडी फॉर द क्विज? Yes, ma'am. Okay, so I will ask you 20 questions. If anybody knows the answer, just can raise your hand, and we'll ask the answer. And please don't answer everyone at once. Raise your hand and then answer the question. And please listen to the question very carefully, because whatever is there in the question, Vikas sir has explained almost everything in his speech. Okay? Yes, ma'am. Before this, मैं एक question पूछना चाहती हूँ। Seminar आप लोगों को कैसा लगा शेयर मार्केट से? Okay, so let us start. First question is, what is the full form of NSE? Just raise your hands if anybody knows the answer. Options we have. First option is National Stock Exchange. Second option is New Share Enterprise. Net Sell Earnings. None of these. Ma'am, just do me a favor. Just write down the names of the students who are answering in a paper, and just we'll provide it. Thank you. You just give it respect. Actually, Okay, everyone. Second question is, what is the symbol of uptrend market? Your options are: first option is bear, second option is bull, third option is cow, and the last option is monkey. Don't speak up. Just raise your hand. Please raise your hands. Hello. Yes, sir. Your name? Karan. I'm Karan. Class 12. Yeah. 11th. Okay. Yeah, I heard someone saying class 12. Now please don't speak up. Ma'am, if there are, just raise your hand. Okay. Gunjan ma'am, sorry. Ma'am, अगर same class, same name के students दोनों classes में है ना, just write down the class. Okay. Like someone said, Karan was those classes. Just write down the class. Okay, third question. Sensex is the index of which country? Your options are India, Pakistan, England, Australia. Don't speak up. Just raise your hands only. Sensex is the index of which country? Options are India, Pakistan, England, Australia. Get up. England. England. Okay. Sit down. Damini Sharma. Okay, Sensex is the index of which country? Answer is India. Okay. Okay, next question. Which is the oldest stock exchange of India? Okay. Your options are BSE, NSE, CSE, या फिर KSE. Which is the oldest stock exchange of India? BSE, NSE, CSE या फिर KSE? BSE. Okay. मैम just write her name. She has scored 2.6. Okay. Next question. Which account required for investment? Your options are DMart account, joint account, Twitter account, none of these last. Yes. DMart account. Okay, right. Now. Abhishek. Okay. Next question. What is the full form of SIP? Your options are Social Investment Program, Systematic Investment Plan, Simple Investment Plan, or none of these. Systematic investment plan. Devanshu. Next question. Which of the following does not belong to stock market? Options are NSE, IPO, KPO, and AV. Which of the following does not belong to stock market? NSE, IPO, KPO, and AV. NAV. Please try to answer as much as possible because whoever answers the most will be getting a special gift from us. Lalach. Okay. Next question. Buying any stock by paying the full amount of purchase value is. Your options are trade, investment, gamble, or collection. When you are paying full amount, then it is investment, not trade. Okay? Who will get benefits of insider trading? Options नहीं दे रही हूँ मैं, बताओ. Who will get benefits of insider trading? I'm not giving options. दे दो मैम के बच्चे. Okay, options are all shareholders, all debenture holders, people having secret information of the company, or the employees. She raised her hand first. Huh? People having secret information right now. Okay, so the next question is, who regulates the capital market? Your options are SEBI, RBI, SBI, none of these. Repeat question. Right, ma'am. Listen carefully. ध्यान से सुनना है. मौका नहीं मिलता है. Okay. Next question. What is the full form of CMP? Concrete money policy, current market price, currency monetary policy, or none of these? See current market price. USD currency. Ma'am, have you written the current? Yes. Okay. Next very interesting question. I hope everyone knows this answer. Harshad Mehta's scam was related to no options. Stock market. He raised his hand first. Option चाहिए. तो आधे क्वेश्चन में ही क्यों गया? मैम उसका मौका नहीं आ रहा, उसने शुरू से लेकर लास्ट तक हाथ खड़ा. आधे क्वेश्चन में हाथ दो बताओ. ऑप्शन मैंने सुना ही नहीं. मैम 11th के स्टूडेंट्स दे देंगे. उन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी अपनी. अच्छा अच्छा. 11th के हर स्टूडेंट को पता है अबाउट हर्षद मेहता स्कैम. ये स्टूडेंट्स 11th क्लास स्टूडेंट्स से जूनियर है ना. बड़ा दिल रख ले यार. हां जी इसका. हां 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 योगी. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन. How many companies are included in Sensex? Options are 50, 100, 30, none. Please don't speak the answers. Just raise your hands. Prize लेके जाओगी ये तो. Part लेना prize. क्या लेना है आपको? क्वेश्चन चेंज करेंगे आपको. हाँ चेंज द क्वेश्चन. No one will get the benefit. मैं बार बार बोल रही हूँ. Raise your hands. Don't utter the answer until unless you are not asked to give the answer. Okay, next question. There is a symbol of which type of market? Uptrend, downtrend, sideways, all of the above. D. All of the above. Options सुन लो एक बार. A uptrend, B downtrend, C sideways, D all of the above. हाँ सारे एक एक ऑप्शंस दे दो. कोई ना कोई तो सही होना ही है ना. तुक्का लगा लो. नेगेटिव मार्किंग हो जाए. कौन कंफर्म आंसर देगा? तो ये तुम लोगों की गलती है कि किसकी गलती है? Okay, next question. When was NSE established? Your options are. ठीक है ऑप्शन नहीं देते. 1992. भाई बताइयो बताइयो भाई. Next question. Mutual fund investment is a subject of. फिर क्या है यार? सुन लो थोड़ा सा सुन लो. माने एनर्जी बहुत है. सही जगह पे इन्वेस्ट करो ना. If Gunjan bought 10 share of Reliance at the rate 700 in the year 2010, now price of one share of Reliance is at the rate 2200. What will be the profit earned by Gunjan during this period? 10 shares. Price क्या था पहले? If Gunjan bought 10 share of Reliance at the rate 700 in the year 2010. Now price of one share of Reliance is at rate 2200. What will be the profit on my Gunjan? Right. But ये क्या था? ऐसे ही नहीं बोलना था. आपने ऑप्शन नहीं दिया ना. इसका ऑप्शन नहीं था. इसको तो कैलकुलेशन क्वेश्चन. मुझे तुरंत बता दे. कैलकुलेशन. हर चीज में ऑप्शन नहीं मिलता है. सबको पता है. If there are more buyers than sellers, stock price will. माना आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो बट हैंड रेस करके भी आंसर दे सकते हो. Okay, now sir will ask you the questions. Yes, sir? I want to ask you some questions. बहुत तेज तरार लग रहे हो आपको. जो ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो फ्लक्चुएशन होता है प्राइस का, वो सबसे मिनिमम फ्लक्चुएशन क्या होता है? What is the tick size of the movement of the stock market? ऑप्शन ₹1 का, ऑप्शन ₹5 का, ₹10 का, ₹5 का. Please raise your hand and answer. पूरा बताओ, आधा बताओ. So decide who will answer. बताओ. बड़े दिलवाले हैं यहाँ पे लोग. ₹1 का आंसर है ₹5 का. दूसरा है फ्यूचर का, कुछ नाम सुना होगा आपने. यस सर, फ्यूचर ऑप्शन सब कुछ सुना है आपने. तो जो फ्यूचर है उसमें होता है कि एक्सपायरी डेट, ठीक है, वो हर मंथ का एक्सपायरी डेट क्या होता है? ऑप्शन दो. फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपायरी डेट क्या होता है? महीने का 30 तारीख फर्स्ट ऑप्शन, महीने का लास्ट फ्राइडे सेकंड ऑप्शन, महीने का 29 तारीख और मंथ का लास्ट वर्क. 5 ऑप्शन हो गया. मंथ का लास्ट थर्सडे. बोलना नहीं है, आता है ना, ये सबको आता है. हाथ में ऊपर जाता है. आप बताओ. लास्ट फ्राइडे. बैठ जाओ, पूरा आप बता दो. वो जो आगे है ना वो बता दो आप पूरा. मैं सर ए ये तो मुझे भी आती है. और कोई फ्राइडे फ्राइडे सर फ्राइडे किसी ने बताया? मतलब किसी ने नहीं बताया. मंथ का लास्ट थर्सडे, मंथ का लास्ट. फॉरेक्स ट्रेडिंग का नाम सुना आप लोग? यस सर, सबने सुना फॉरेक्स, ठीक है. 4 ऑप्शन है, बताना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर कौन कौन सा आता है, कौन सा स्क्रिप्ट. निफ्टी 50 ट्रेडिंग पहला, नैस्डैक ट्रेडिंग दूसरा, बिटकॉइन तीसरा, USD INR चौथा. आप ही बता दो, आप बहुत जोशीले लग रहे हो. हाँ गलत है. यू रेज योर हैंड. USD INR करेक्ट है. यू गुड नेम तुषार. तुषार मैम इसका नाम मैम स्पेशल नोट कीजिएगा. और चौथा क्वेश्चन है, ठीक है, इंडिया में क्या चीज लीगलाइज नहीं है? ओके, रेज योर हैंड एंड आंसर. नो ममरिंग्स. इंडिया में क्या चीज लीगलाइज नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग? रेज योर हैंड. मैनिपुलेशन इन स्टॉक मार्केट, ओके, 1-to-1 ट्रेडिंग दूसरा, तीसरा है सेंसेक्स में ट्रेडिंग, चौथा है निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट. 2 ऑप्शन है जो सही है, 2 ऑप्शन है जो सही है. आप बताओ. 4 में से 2 सही. आपने हाथ पहले उठाया है, प्लीज आंसर. मैनिपुलेशन. और इसमें जिसको दोनों आंसर पता है वो बताओ. ओके, यू से मैनिपुलेशन और 1-to-1 दोनों बताइए. उससे तो पूछा ही नहीं. राइट आंसर, राइट आंसर. अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ था हमारे से, दे दो जवाब यार, क्या चाहते हैं? विच टर्म इज रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट? ऑप्शन ए कैचर, ऑप्शन 2 टीचर, ऑप्शन 3 ब्रोकर, ऑप्शन 4 लॉयर ब्रोकर.